हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्ते। कैसे हो? हम करते आप सब ठीक होंगे और ठीक ही होना चाहिए। तो गाइस, आज थोड़ा अतिष्ट आवाज से आपको मालूम पड़ रहेगा ब्लॉग बना रहे नहीं थे, उसका अलग रीजन भी है और ये भी एक रीजन है। रीजन बता देता, मैं कुछ काम से गाँव को गया था। मैं सोचा था कि 2-3 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन वो काम हुआ नहीं तो मेरा 1 हफ्ते से 2 हफ्ते गया। तो ट्रेन के की जो वीडियो बनानी थी वो और ज्यादा एक्सटेंड हो गए आगे। के बाद में जब आया, आने के बाद में बीमार हो गया मैं, छोड़ो मेरी फैमिली भी बीमार हो गई। इसे ब्लॉग बनाने में तभी थोड़ा बहुत ठीक। ये ब्लॉग बहुत मतलब बहुत दिनों बाद आ रहा है, 10K होकर अभी हमारा 15K होने के लिए आ गया। कल तक है ना, मेरा आवाज एकदम अच्छा था। आज सुबह जैसे उठा मेरा आवाज क्या बोला क्या हो गया। मेडिसिन वगैरह सब चले वैसे कुछ नहीं, वो तो ठीक होने वाला है। लेकिन अगर हमने फिक्स किया है आज व्लॉग बनाना है तो बनाना है। भाई को मैंने बोला जैसे चल आवाज जैसे बोल लेंगे फिर भी आज व्लॉग बना लेंगे, क्योंकि बहुत पहले ही डिले हो गया है तो आज व्लॉग बनाते कैसे भी करके। तो आज वो दिन आ ही गया और आज हम 10K का सेलिब्रेशन करेंगे। जैसे हमने पिछले व्लॉग में बोला था कि हम आतिश की फैमिली को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और हम और एक सरप्राइज भी बोले थे, पर वो सरप्राइज हम बोले कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि पता है ना जैसे पिछले व्लॉग में हमने बोला था आज आतिश की मम्मी और दीदी आने वाली, क्योंकि पापा तो बाहर है फिलहाल साइड के काम की वजह से वो आने पा रहे। लेकिन उनको भी जल्दी मिला दूंगा जैसे वो फ्री होंगे। व्लॉग पे चालू रहेगा हमेशा, दिखाई दूंगा। तो अभी फिलहाल मैंने मम्मी और दीदी को बुलाया है। मम्मी और दीदी उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। कोशिश करेंगे वीक में 2-2 ब्लॉग तो भी डालें, पर आप जैसे प्यार दिखाएंगे हम फिर और ज्यादा ब्लॉग डालना चालू करेंगे। गाइस, जैसे मैंने बोला था मैं मेरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो मेरी मम्मी से। तो मम्मी को देखो, हिंदी तो आती है लेकिन इतना अच्छे से बोल नहीं पाती है, थोड़ा बहुत चलता है। तो मम्मी को मैं मराठी में ट्राई करूंगा बात करने को। फिर मम्मी, हमसे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट झाले, तुला कसं वाटते? खूप छान वाटतंय। हां, असंच प्रगती करा आणि असंच बघून पुढे जावा। हां, सो गाइस, मम्मी ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि मम्मी को है ना कैमरे के सामने शर्म आती है, मम्मी को नहीं जमता। और खासी से समझ सकते हो कि मम्मी भी बीमारी है। पहला तो आपको मेरी बहना से, ये रही मेरी बहना, कलर से तो समझ में नहीं आएगा लेकिन हाँ मेरी बहन ही है। तो ये मेरी बहन अंजलि। तो दीदी को तो वैसे मराठी आती है। तर मग दीदी, 10,000 सब्सक्राइबर आले, तुला कसं वाटतं तुझ्या लहान भावानी असं काम केलं? वाटतं भारी वाटतंय, अख्ख्या खोपोली मध्ये तुम्हाला लोक ओळखताय युनिक ब्रदरच्या नावाने, आणि माझे फ्रेंड्स ही तुम्हाला फॉलो करतायत। छान वाटतंय मला, इथेही बोलतात की तुझे दोन्ही भाऊ छान करतायत। बस आम्हाला हेच पाहिजे होतं, अजून काय पाहिजे? इतना जल्दी 10K हो गया ना, हम बहुत खुश है। और ये तो खुश इसने लाइव किया था, हम कसम से लाइव दे वगैरह बहुत कुछ किया हमने, एंजॉय किया। दीदी, आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हारे व्लॉग्स, और मेरे फ्रेंड्स भी तुम्हारे फैंस हो गए, क्योंकि वो भी तुम्हारे वीडियोस देखते हैं डेली, जब भी। थैंक यू भाई लोग और बहन लोग। और उनकी तुम्हारी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। तो तुम्हारे ब्लॉग में प्लीज ज्यादा कॉमेडी दिखाओ, और मेरे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। चलो, हमको एक फीडबैक मिल गया लेकिन हम ये लेते नहीं है, इनका इनको रहने दो। आगे और हमको क्या करना चाहिए? और दीदी भी शामिल है तो मिलकर आप सेलिब्रेशन करने वाले 10K का। 10K होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहो। हाँ। और लेकिन ना वीडियो डालते रहो, सब हाँ। लोग बोल रहे हो तुम लोग डाल रहे नहीं है बीच बीच में। आपको मालूम ही था ना हम क्यों नहीं डाल रहे थे, आतिश तो गांव गया था और उसके बाद फिर आतिश बीमार भी था, तो उस वजह से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे। तो दीदी, आपको कैसा लग रहा है 10K के बाद? तो 10K बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेरी तरफ से लाइक ऑल द बेस्ट। तो दीदी का तो सपोर्ट है ही और आप सभी का सपोर्ट है, और आप सभी के सपोर्ट की वजह से हम 10K इतने जल्दी पहुंच गए। मतलब विदिन हम 6 मंथ के पहले हम पहुंच गए, हम 6 मंथ भी नहीं हुआ हमें स्टार्ट करते, और बहुत खुशी भी हो रही है और आज खुशी के मौके पर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? देखा आपने, बहुत धूमधाम से हो गया और इससे भी धूमधाम से जो नेक्स्ट सरप्राइज आएगा वो इससे भी धूमधाम से होने वाला है। मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हमने भी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा और ये सेलिब्रेशन भी होगा, वो भी नहीं पता था किसी को नहीं पता था। जैसे हमने स्टार्ट किया था कि हमें यूट्यूब करना है करके, हमने यूट्यूब स्टार्ट किया तो आपने प्यार दिखाया और हम 6 से 7 महीने में हम यहाँ पहुँच गए और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे मेन तो हमारे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मतलब फैमिली जब इस चीज में सपोर्ट नहीं करती तो हम यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते। उनका सपोर्ट था इसके लिए हमें आपको मिला, आप सभी का सपोर्ट था और बहुत खुशी हो रही है। ऐसे सपोर्ट करो हमको और 10K से 20K ऐसे हमारा हो जाएगा। सपोर्ट करते रहो, हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे, बहुत से सरप्राइज ऐसे आते भी रहेंगे। और ये जो 10K का सरप्राइज आपको हमने जैसे बोला था, हम जो बोलते हैं उसे वो हम करते, तो ये तो हो गया। अभी जो आएगा सरप्राइज वो भी थोड़े मतलब और कुछ महीनों में आपको दिखेगा जो 10K का सरप्राइज। अच्छा, इसे सपोर्ट करना और 10K के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी लॉक थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है, बीमार था इसलिए, लेकिन आगे के लॉक टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। ऐसे सपोर्ट करना। आपको पता ही है भाई इतना बीमार भी है और वो उस बीमार में भी वो बोल रहा है और ब्लॉग कर रहा है वो। तो कमेंट में बता देना आपको ब्लॉग कैसा लगा था और ऐसे सपोर्ट करना और रील देखने के लिए इंस्टा पे जाके फॉलो कर देना। हाँ, और हमारा जो भी अपडेट रहेगा इंस्टा पर हम डालते रहते, तो आप इंस्टा पर जाके फॉलो करना, आपको स्क्रीन पर हमारी आईडी आएगी। जाते जाते प्लीज कमेंट करना, एक दिल भेज देना आपकी तरफ से। तो यही तक है ये ब्लॉग था। तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बी सेफ एंड राइड सेफ। पीस आउट।